बनाने जा रहे हैं काले बैंगन और आलू की मज़ेदार सब्जी। इसमें हमने डाला है कांदा, मिर्ची, अदरक, लहसुन, नारियल, टमाटर और धनिया का पत्ता और करी लीव्स, इन्हें हम पीस लेंगे। मिक्सर के जार में हम लोग ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और उसी में मैं अब हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर मिला लिए हैं। अब इसे हम पीस लेंगे। मसालों में हम थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये बैंगन को हम लोग ने लंबा लंबा काट कर पानी में भिगो कर रख दिए हैं ताकि ये काला ना पड़े। हमारे मसालों का एक फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए गैस पर अभी हमने टॉप को चढ़ा दिया है। आप इसे स्लो में रख देंगे, मीडियम स्लो। हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अब हम इन मसालों को भून लेंगे। देखिए मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे क्योंकि हमने सब सारे मसाले कच्चे ही पीसे हैं, इसीलिए इनको उनका कच्चापन निकलने तक हम इसे भूनेंगे। भूनने पर सब्जी का टेस्ट ही अलग आएगा, मसाले का टेस्ट अलग हो जाएगा, ना यमी लगेगा कि आप सब बोलेंगे कि क्या टेस्ट है। इसे आप रोटी, चावल किसी के साथ भी मतलब आप खा सकते हैं। देखिए हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल, बैंगन और आलू का। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक बैंगन और आलू मसाले को लगना चाहिए। देखिए हमने सब्जी को मसाले के साथ मिला लिया है, कितनी सुंदर दिख रहे हैं। अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक एज पर टेस्ट और हल्का सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे ढककर 8 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी सब्जी कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी लाजवाब लगेगी। ये लग जाएगा ना, फिर पापा आपसे बात नहीं करेंगे। पापा बात नहीं करेंगे। देखिए फाइनल लुक हमारे सब्जी का। इसे रोटी के साथ खाइए, बड़ा ही मज़ा आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.